ओम श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ मैं आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद नेट में योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोग को सांख्य कार्य का सिखा रहे हैं। आज 70 का सरल शब्दों में गुरु जी सिखाएंगे, तो चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, सांख्य शास्त्र के इस विचार परंपरा में आप सभी का स्वागत है। आगे कारिका में उसी परंपरा को बताते हैं। स्यादेत यत् परमर्षिणा साक्षात् कथितम् तच्छ्रद्दधीमहि यत् पुनरीश्वर कृष्णेन कहितम तत्र कुतः श्रद्धा इत्यत आहेत। भाई ठीक है, आपने जो तत्व ज्ञान के विषय में आपने परंपरा को बतलाया, तो इसको चूंकि महर्षि कपिल ने कहा है तो इसलिए उसमें हम श्रद्धा करेंगे, परंतु जो ईश्वर कृष्ण ने उसी कारिका को अपने शब्दों में कहा है तो उस पर हम लोग क्यों श्रद्धा करें, क्यों उसका सम्मान करें। इसके आधार पर कहा, ए तत् पवित्र पवित्रम पवित्रमग्र्यम मुनिरासुरे नुकंपया प्रददौ आसुर पंचशिखाय तेन बहुधा कृतम तंत्र। यह जो पवित्र ज्ञान है, परम पावन है, तीनों दुखों का विघात करने वाला यह जो ज्ञान है, मुनि अनुकंपया आसुरये प्रददौ, जो कपिल मुनि हैं उन्होंने सर्वप्रथम जो है अपने शिष्य आश्री के ऊपर कृपा करके उस ज्ञान को पहले आश्री को उन्होंने बताया। आश्री पंच शिखाय, आचार्य आश्री ने जो है उसको अपने शिष्य पंच शिख को उस ज्ञान को प्रदान किया, और पंच शिख ने उसका जो है अनेक प्रकार से उसका विस्तार किया। एतत् पवित्रम पावन दुखृतय है तो पाप मना पुनाति इति पवित्रम, जो पापियों को पवित्र कहते हैं इसलिए इसको पवित्र कहते हैं। अग्र्य सर्वप्रथम सर्वेभ्यः पवित्रेभ्यः मुख्यम मुनि कपिलः आसुरे अनुकंपया प्रदौ, उनको बतलाया आसुर ने पंचशिखा को बतलाया, और तेन बहुधा कृतम तंत्रम, और पंचशिख ने उसको जो है उसको और उसका विस्तार किया। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में कारका का अर्थ समझाया। ईश्वर आपकी सहायता करें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।